नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख रीजन के साथ और आज हम मौजूद हैं जिला पाडर में, जहां पर पिछले कल जो है बहुत ज़्यादा कुछ बारिश आई और आपने कल से आप देख रहे हैं पाडर से अपडेट देख रहे हैं लगातार इस तरह से जनाब जो अपना जो भोट नाला है उसका खतर बढ़ चुका है। और पिछले कल रात की बात करें तो यहाँ एस एच ओ पाडर ने जो थी यहाँ पे बड़ी बाग की बात करें जो बड़ी बाग में मौजूद है, बड़ी बाग का सारा क्षेत्र खाली करने की एडवाइस दी थी और सारे लोग यहाँ से ऊपर चले गए थे, कुछ बार ढोली में चले गए थे, क्योंकि यहाँ पर वो पीछे जो सूत्रों के मुताबिक पीछे जो नाला वो बंद हो चुका था। और अभी जो है आप देख सकते हैं कि हम आपको लाइव विजुअल दिखाएंगे कि किस प्रकार से दरिया का जो सतर है वो बढ़ चुका है। हम कैमरामैन से निवेदन करते हैं कि वहाँ पर दिखाएँ जो कैमरा का जो सतर है अपना दरिया को कितनी तरह से बढ़ चुका है। और अभी हम सीधा आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं पाडर के पड़ी बाग से, जहाँ पर लोग कल पूरे जो थे वो यहाँ से खाली हो चुके थे और अभी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी है कि यहाँ पे हाई अलर्ट में है कि कभी भी इस सतर अभी इस दरिया का जो सतर वो बढ़ सकता है। और आप देख सकते हैं पार जो इस साइड की बात करें तो रोड देखिए किस प्रकार से कट चुका है और ये रोड जो है ये कभी भी गिर सकता है। किंतु आप देख सकते हैं कि अभी भी उस साइड कुछ लोग जो है अभी भी चल रहे हैं, वो लोग कुछ लाइनें लगा लगा के बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं कि चनाब का इस दरिया का सतर जो है वो कितना बहेगा क्या है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों के बीच में एक हिसाब से दहशत का माहौल बन चुका है। कि और आपको अभी बता दें कि अभी इसका सतर जो है वो थोड़ा कम हो रहा है, किंतु अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को अभी भी खतरा है। इस साइड की बात करें देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर अभी भी इसको देख रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल के बैठे हुए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ये बह रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये बढ़ जाए। और सबसे अधिक खतरे की बात करें तो गुलाबगढ़ के पड़ी बाग क्षेत्र को ही पड़ता है खतरा। अभी हम आपको सीधा लाइव विजुअल दिखा रहे हैं, ये जो पार आपको दिख रहा है ये मट्टी इलाका है जहाँ जिस एरिया को भी इस दरिया के बढ़ने से खतरा हो सकता है। और वहाँ के लोग भी आप देख सकते हैं कि घरों से निकल के बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल दहशत का माहौल के हिसाब से बना चुका है। सूत्रों के मुताबिक बात करें तो यहाँ से पीछे कुंडहेल का जो पुल है वो जा चुका है, कुंडहेल में दो होटल जो है वो इसमें वॉश आउट हो चुकी है। और अभी तक जो है ये दरिया का बहाव जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये शांत हो जाए। तब तक पाडर के यहाँ के खासकर गुलाबगढ़ नीचे डाउन के इलाकों के जितने भी लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हिदायत दी गई है कि वो यहाँ पर जो है अलर्ट में रहें। और ज़्यादातर लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, कोई यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी Gracias.